नमस्कार, लिपि किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी ऑनलाइन हूँ आपको पता चले और आप मेरे न्यू अपलोडेड वीडियो आसानी से देख सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में। आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो विलेज स्टाइल फिश करी। ये बहुत ही टेस्टी रहता है। इसको रोहू मछली के साथ बनाया जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी रहता है। ये विलेज स्टाइल में मैंने बनाया है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 रोहू फिश के पीसेस लिए हैं। उसको हल्दी और नमक के साथ मैरिनेट करके 20 से 25 मिनट रख लिया है। ये इसको अच्छे से रब करके मैंने इसको मैरिनेट किया है। अभी ये सारे इंग्रेडिएंट्स में मैंने अदरक 1/2 इंच लिया है, लहसुन 6 पीसेस लिए हैं और ये कश्मीरी रेड चिल्ली को मैंने भिगो के रखा है और यहाँ पे भिगो के रखा हुआ जीरा और कोरिएंडर को अच्छे से रखा है और यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज अनियन को चॉप करके रखा है और 1 मीडियम साइज टमाटो को अच्छे डाइस में काटा है। ये देखिए, मैंने यहाँ आलू को वेजेस में काटा हुआ है। इस सब्जी में वेजेस के आलू अच्छे लगते हैं। अभी हम अदरक लहसुन और जो हमने धनिया और जीरा को सोख करके रखा था उसको डालेंगे और थोड़ा सा प्याज डालेंगे और जो मिर्ची को सोख के रखा था उसको भी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के एक ब्लेंडिंग जार में उसको एक पेस्ट बना लेंगे और उसको एक कटोरे में निकाल के अलग रख लेंगे। एक पैन में सरसों का तेल गरम करेंगे, उसमें आलू अच्छे से फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको साइड निकाल के साइड रख लेंगे। फिर उसी तेल में हमने उसमें मछली को फ्राई करना है। पलट पलट के दोनों साइड को हमें 8 मिनट तक पकाना है। ये बनके रेडी हो गया या फिर इसका कलर जब तक चेंज होता है तब तक हमें पकाना है। ये बनके रेडी हो गया हमारा फिश फ्राई, उसको साइड रख लेंगे हम। अभी उसी तेल में हमने प्याज डालना है। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है हमें। फिर ये जब ऐसे कलर में आएगा तो हम उसमें अभी मसाला डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था, उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें अभी हम हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इस टाइम पे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। अभी हमें इस टमाटर से बस 2 टमाटर वेजेस छोड़ के ये सब टमाटर को अच्छे से गलने तक पकाना है। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अभी हम उसमें आलू जो हमने फ्राई करके रखा था वो डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके ढक के 2 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक आधा पक ना जाए फिर उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और जब उबाल आने लगेगा वो पानी में वो जो बाकी बचे हुए टमाटर डालेंगे और मछली डालेंगे और अभी मीडियम फ्लेम में उसको हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा ग्रेवी रख सकते हो। मुझे कम ग्रेवी चाहिए था तो मैंने उसको कम कर लिया है और उसको धनिया पत्ता डाल के उसको सर्व कर लेंगे हम गर्मा गर्म चावल के साथ। आशा करती हूँ आपको ये मछली की करी अच्छा लगे। घर पे ज़रूर बनाएगी, सबके खिलाएगी, मुझे बताएगा कैसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी कुकिंग। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज एंड प्लीज़ रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द रेसिपी डिटेल्स एंड इन्ग्रीडियंट्स डिटेल्स। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।